हेटरोजीनियस मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन वाटर इज एडेड टू. तो हेटरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो. तो जब हम बटर को वाटर के साथ मिलाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा. जो करेक्ट आंसर है वो ए है. जबकि हनी, ग्लूकोज या अल्कोहल को जब मैं पानी के साथ मिलाती हूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ए है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ प्योर कंपाउंड? हमें प्योर कंपाउंड पहचानना इन डायग्राम्स में से. अगर आप बी को देखो तो यहाँ पे स्पेयर्स नज़र आ रहे हैं और स्पेयर्स अकेले हैं और एक ही कलर के और एक ही साइज़ के. तो मीन्स ये किसकी डायग्राम है? एटम्स ऑफ एलिमेंट की. अगर ए डायग्राम को देखो तो यहाँ पे एक जैसे स्पेयर्स हैं बट दो हैं एक साथ, ठीक है? यानी ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करे बट किसके? एलिमेंट के. और जो सी वाली डायग्राम देखो तो वो हमारा सही आंसर है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट कलर्स के हमें स्फेयर्स नज़र आ रहे हैं. जबकि डी में हमें है ना एटम्स भी दिख रहे हैं एलिमेंट्स के, मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स भी दिख रहे हैं. तो इसलिए डी जो है ना हमारा मिक्सचर है. जबकि हमसे सवाल में पूछा था प्योर कंपाउंड, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एम्फसाइजेस ऑन प्लांटेशन टू ओवरकम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, यानी जो उसके की वर्ड है जिसके जरिए हमें आंसर पहचाना है वो एम्फसाइज ऑन प्लांटेशन टू ओवरकम द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसका करेक्ट आंसर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको याद हो तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट. मीन्स ये इन्वायरमेंटल रेलिवेंट बात हो रही थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. ओजोन इज हाईली रिएक्टिव गैस विच इज फॉर्म इन द स्ट्रेटोस्फेयर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. इफ 10.5 मोल्स ऑफ ओजोन गैस इज फॉर्म इन द स्ट्रेटोस्फेयर देन इट्स मास इन ग्राम्स विल बी. मीन्स हमें सबसे पहले तो ओजोन दिया हुआ है और ओजोन का फॉर्मूला दिया हुआ है O3 है, ठीक है? हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हमें मास पूछा है. तो सबसे पहले हमें उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला O3 है, यानी तीन ऑक्सीजन के एटम्स हैं. तो इसलिए और हमें मासेस गिवन थे क्वेश्चन के अंदर ही, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 16 से ताकि हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन मिल जाए. मास इन ग्राम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें क्वेश्चन से ही मिले थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास से. तो हमें इसका आंसर मिल गया डी. डी इसका करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज स्लैश आर प्रेजेंट इन NH4 आयन या NH4 पॉजिटिव? NH4 पॉजिटिव में हमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मिलता है और कोवलेंट बॉन्ड मिलता है, आयनिक बॉन्ड नहीं मिलता. इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर आयनिक कंपाउंड्स? इसका करेक्ट आंसर है दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म. दे आर मेलिएबल इन डक्टाइल. रॉन्ग है, मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी रॉन्ग है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. दे आर ब्रिटल एंड डिजॉल्व ईजिली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. रॉन्ग है, वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज. हमें हाइड्रोजन और सल्फर दोनों के एटॉमिक नंबर्स के मैंने, तो हम सल्फर के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं सल्फर के? 6. तो कौन सी डायग्राम है जिसमें हमें सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ डी में है और सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. और यहाँ पे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. बाकी सब में हमें या तो ज़्यादा दिख रहे हैं 6 से इलेक्ट्रॉन या 6 से कम दिख रहे हैं. सी में 5 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये रॉन्ग हो गया. बी में 2 दिख रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो गया. और ए के अंदर हमें कितने दिख रहे हैं? टोटल 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये भी रॉन्ग हो गया. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी. एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड पीरियड 3 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड बी प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द गिवन एलिमेंट इज. हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नज़र आ रही है ग्रुप 15 की, दैट इज NH2NP3. तो हमें नज़र आ रहा है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. फिर भी अगर मैं इस गिवन कंडीशन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखती तो वो क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. वैलेंस शेल 3 है, मतलब पीरियड 3 है हमारे पास, ठीक है?
और हमें नजर आ रहा है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 5, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 5। अमंग द गिवन सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट दैट इज KMnO4, विच वन हैज द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन इट। हमें कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, मीन्स 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है किस में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स कौन सा जो है सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। अगर चारों ऑप्शंस को आप देखो तो आपको नज़र आएगा चारों में वॉल्यूम सेम है सबके अंदर, दैट इज़ 100 cm³। चारों के अंदर हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 100 cm³। तो अब हम किससे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे KMnO4 की कंसंट्रेशन से। तो सबसे कम जो कंसंट्रेशन है वो किस में है, ऑप्शन बी में, दैट इज 0.01 मोलर, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, जिसमें हमें सबसे कम कंसंट्रेशन मिल रही है KMnO4 की, मीन्स उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की, जो सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसी में वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टूडेंट फॉर हिज रिसर्च प्रिपेयर्ड 1.25 मोलर पोटेशियम क्लोराइड स्टॉक सोल्यूशन, वॉट वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन विल ही यूजेस टू फर्दर प्रिपेयर अ 250 ml डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर। एक स्टूडेंट है, उसने अपनी रिसर्च के लिए 1.25 मोलर स्टॉक सोल्यूशन बनाया है, जिससे वो चाहते हैं 0.2 मोलर 250 ml में डायल्यूट सोल्यूशन बनाए। सबसे पहले तो हम डेटा बनाते हैं, हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन थी 1.25 m, और उसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया कि हमें उसका कितना वॉल्यूम चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए, और हमारा रिक्वायर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.2 मोलर और उसका वॉल्यूम है 250 ml में हमें बनाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करो, जैसे m1v1 इसी का m2v2 यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे स्टॉक और डाइल्यूट था इसलिए मैंने स्टॉक के लिए s यूज़ किया और डाइल्यूट के लिए d। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलारिटी, उसका वॉल्यूम उससे पूछा तो वो x है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलारिटी और उसका वॉल्यूम, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो आंसर आ रहा है 40 ml, मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, दैट इज 40 ml। 40 ml रिक्वायर्ड होगा हमें 1.25 m सॉल्यूशन का 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.2 मोलर का, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन, सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। तो फॉग, बटर और ब्रॉन्स क्या है, सोल्यूशन है। अमोनिया इज नॉट द सोल्यूशन बिकॉज इट इज नॉट द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ कंपाउंड, दैट इज NH3। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, दैट इज अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस अ सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। प्योर कंपाउंड से हमने ए और ऑप्शन डी को इनकरेक्ट किया और हेटरोजीनियस मिक्सचर से हमने सी ऑप्शन को इनकरेक्ट किया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स dissolved in a solvent is the correct definition or correct statement which defines a solution. Next question, in the periodic table the group which consists of purely metals is, हमें पता है ग्रुप वन और ग्रुप टू जो होते हैं, यानी ग्रुप वन है और टू है जो है वो प्योरली मेटल्स होते हैं, इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो है 2A, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हेलोजन फैमिली से या ग्रुप 17 से, तो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सी, दैट इज NS2NP5, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजन एटम इज सिमिलर टू एन एटम ऑफ सल्फर बिकॉज द बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटम और सल्फर एटम दोनों ग्रुप 6A या ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं, दोनों के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये दोनों जो ना सिमिलर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियोडिक ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन मूविंग डाउन ग्रुप 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मूविंग डाउन डिक्रीज होती है रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है,
डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज डिक्रीज रिएक्टिविटी। द गिवन टेबल शोज फोर डिफरेंट एटम्स पी क्यू आर एंड एस। हमें चार एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। विच टू एटम्स इन द गिवन टेबल आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। हमें पता है आइसोटोप्स में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चूँकि पी और एस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, यानी इसका आंसर क्या है, पी एंड एस, दैट इज डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। इफ द एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 15 देन इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 और 3p3, यानी डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यानी जो है डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन B11-5 इज रिप्रेजेंटेड बाय, 11 क्या है, 11 एटॉमिक मास है और 5 क्या है, एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमें फिगर में ढूंढना था कि कहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे, तो ए में हमें नज़र आ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, तो इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ए। बी सी और डी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए ये सारे आंसर्स रॉन्ग हो गए, सिर्फ ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इट प्रूव दैट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। ये जो पॉइंट है वो बोहर एटॉमिक मॉडल का है, बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो रॉन्ग है। सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहे हैं कि जो सारे ऑप्शंस हमें गिवन है उन सब के बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस को डिफर कर सकते हैं एक्सेप्ट में, कोई एक चीज़ ऐसी है जो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके बेसिस पे हम डिफर नहीं कर सकते सॉलिड लिक्विड और गैसेस को। सॉलिड में हमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस, गैसेस में मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। स्पेसेस भी दरमियान इनके डिफरेंट है, ठीक है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम स्पेस है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमें काफ़ी स्पेस नज़र आ रही है। वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होती है, गैसेस के अंदर क्या होता है सबसे कम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनकी वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है इनके मॉलिक्यूल्स के एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स के, ठीक है। तो मींस बी सी और डी इन तीनों ऑप्शंस के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते थे एक्सेप्ट ए, साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमसे पूछा है कि हर किसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं सिवाय साइज ऑफ पार्टिकल्स के, हम हर मींस वेलोसिटी स्पेस और अरेंजमेंट के बेसिस पे हम गैस लिक्विड्स और सॉलिड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सेप्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स, मींस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफ्यूजन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, बी इसका करेक्ट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, मीथेन गैस इज CH4। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 64, मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर दिया। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मासेस पर डिपेंड करता है। जो गैसेस लाइटर होती हैं वो पहले डिफ्यूज होती हैं जो हैवियर होती हैं उनकी निस्बत, मींस मीथेन पहले डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज़्यादा है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों अलग है, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। द गिवन डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ, हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें बंसन बर्नर क्या है, ओपन है, मीन्स यहाँ से हीट ऊपर की तरफ जा रही है जिसकी वजह से इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है कन्वर्ट हो रही है प्योर सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड में।
तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, मीन्स सॉलिड के बाद लिक्विड फिर गैस, नहीं डायरेक्टली गैस के अंदर, तो वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, ठीक है। और ए रॉन्ग है, बॉइलिंग में आपको पता है क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में, मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, और कंडेंसेशन में गैस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड में, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज करते हैं, मीन्स जब लिक्विड के हम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आगे डायग्राम में। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम सॉलिड को एनर्जी देते हैं या उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या उसमें एनर्जी डालते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना था, मीन्स हमें यहाँ जाना था, तो ये कैसे हो रहा है, बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। इंक्रीजिंग कोलिजन और इंक्रीजिंग वॉल्यूम से लिक्विड कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा सॉलिड्स में, ठीक है, और डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, गैसेस में, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो बी था, दैट इज बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विथ क्रोमियम। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, जो आयरन है निकल प्लेटेड उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड इज, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो हमारे पास इक्वेशन थी रिडक्शन की, बट हमें याद होना चाहिए क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, तो मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, जिसके अंदर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, मीन्स जो एक्वस क्रोमियम है वो इलेक्ट्रोप्लेट हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कैथोड पे, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl(O)-) इज, इन आयंस द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। तो यहाँ पे चार्ज क्या था, -1, इसलिए मैंने Z+2 के आगे -1 लिखा है, 0 नहीं लिखा है। 1 क्लोरीन प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मालूम करना है और ऑक्सीजन का क्या है, -2, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, -1 में ऊपर से ही उतारती जा रही हूँ, -6 इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, -1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू +5, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वोल्टिक गलवानिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। रोंगे, गलवानिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंप्राइजेस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ द सेम इनर्ट मेटल इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एनोड। रॉन्ग है, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड भी रॉन्ग है। नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, एनोड होता है, मीन्स एनोड और कैथोड यहाँ पे रॉन्ग थे। करेक्ट आंसर इज बी, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। लाइक मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स विद अ फ्यू एक्सेप्शंस इज एसिडिक। जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर इज अ नोबल मेटल बिकॉज इट इज, हमसे पूछ रहे हैं
सिल्वर क्यों नोबल मेटल है, हमें इन ऑप्शन में से पहचानना था, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, दैट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर। सिल्वर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल है, क्यों? क्योंकि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी गिवन ऑप्शन में से, दैट इज इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते मॉइस्ट एयर में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स इज करेक्ट? अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को पहचाना था, जो करेक्ट ऑप्शंस थे अल्कली मेटल के वो थे सोडियम और रुबीडियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो थे स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम, तो हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी दैट इज अल्कली मेटल, रुबीडियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्ट्रॉन्शियम। सीजियम और लिथियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, अल्कली मेटल है। बेरिलियम और बेरियम अल्कली मेटल नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी जिसमें दोनों करेक्ट ऑप्शन थे, दैट इज अल्कली मेटल रुबीडियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल स्ट्रॉन्शियम, मीन सी इज द करेक्ट आंसर।